नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। बिहार प्रदेश सरपंच संघ अध्यक्ष आदेशानुसार सभी प्रखंडों में सरपंच और पंचों ने अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया और मीडिया से मुखातिब होकर सबों ने यह कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की गई तो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन हम सभी लोग सामूहिक रूप से अपना अपना त्याग पत्र दे देंगे। और उन सबों ने क्या मांग की और क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सबों का एडीबी न्यूज 7 में स्वागत है। मैं अभी दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के प्रांगण में मौजूद हूँ। इस सामने में यहाँ जो मौजूद देख रहे हैं आप लोगों को, ये सब सरपंच हैं या उप सरपंच हैं, इसमें महिला भी शामिल है। आप हमेशा देख रहे होंगे कि पुराने बुद्धिजीवियों ने और नेताओं ने मांग किया था कि हिंदुस्तान में पंचायती राज हो, वो सपना भी साकार हुआ। पंचायती राज हुआ, पंचायती राज के कार्यक्रम होते रहे, पदाधिकारियों को आसानी होती रही। पंचायती राज में दूर दूर से ऑफिसर्स गांव में आते थे छोटे छोटे झगड़े में, अब ऐसा नहीं होता है। लेकिन अचानक से 2023 में ऐसा कौन सा राजनीति आया कि पंचायती राज के जितने जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। तो हमारे साथ सभी सरपंच मौजूद हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले ये बताएंगे कि 2023 ही में अधिकार क्यों छीना जा रहा है, जबकि पंचायती राज का ये जो मांग है 11 सूत्री आज से नहीं है, बहुत पहले से है मुझे जहां तक जानकारी है। तो मांग तो अलग सी चीज है, उससे परेशानी नहीं थी। परेशानी ये हो रही है कि सुविधा मिले ना मिले, लेकिन जो मिला था वो छीना जा रहा है, फिर इनके रहने का मतलब क्या है? तो आप लोग इस विषय पर हमको पूरी जानकारी दीजिए। मांग तो आप लोगों की समझ में आ गई कि इस तरह से जनप्रतिनिधियों को 2023 में क्यों परेशान किया जा रहा है। अपने नाम के साथ परिचय के साथ शुरू किया अध्यक्ष महोदय जी। 2023 में हम लोगों के जो अभी अधिकार छीनने की बात आई है, जिसमें अभी ये जो बंसावली जो है, तो बंसावली सिर्फ हम लोग पेपर में देखे हैं, लेकिन अब तक किसी भी सरपंच के पास उसका यानी चिट्ठी, सरकारी चिट्ठी नहीं अब तक पहुंचा है। रहा सवाल ये कि इलेक्शन से पहले पेपर में बहुत बात आते रहे, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। तो हमको तो लगा नहीं है कि अभी तक जो हम लोगों से कोई अधिकार छीना गया, जो यानी सरकार ने 15 सूत्री मांग हम लोगों का जो है उस मांग को पूरा करे, जिससे हम लोग परिपूर्ण हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि अधिकार छीना नहीं गया और अफसरशाही लागू हो रहा है? हाँ, अफसरशाही है कि जो सरकार का निर्णय हुआ था उस पर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आपके त्याग पत्र दे देने से हमको नहीं लगता है कि अफसरशाही पे कोई फर्क पड़ेगा? वो हम लोगों के जो प्रदेश अध्यक्ष है जी, उसका जो निर्णय आएगा हम लोगों के बीच में, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। ठीक है, पहले मुखिया, बिहार मुखिया संघ के जो अध्यक्ष थे, उनके फरमान पर बहुत सारे धरना प्रदर्शन जिला तक हुआ, स्टेट तक, उन लोगों को परेशान किया गया। अब सरपंच को आने वाले समय में जनप्रतिनिधि को अस्त व्यस्त कर दिया जाएगा, ऐसा क्यों भाई? ये सब 2024 का झांकी है और इसी झांकी को लेकर के प्रतिनिधि को तंग किया जा रहा है। तो हमको तो लग रहा है कि अगर इस तरह से जनप्रतिनिधि परेशान हो गए तो विधानसभा लोकसभा इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा? हाँ, इस पे तो पड़ेगा ही। जब हम लोगों के अधिकार के साथ अगर दिक्कतें करेंगे तो हम लोग भी जो है उस पे जो है सो खड़े उतरेंगे, और हम लोग भी जो है 24 में और 25 में भी दिक्कतें पहुंचाएंगे। पंचायती राज नहीं तो लोकसभा विधानसभा भी डिस्टर्ब? बिल्कुल डिस्टर्ब होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सरपंच साहब, आप ये बताइए कि आप लोग मांग को तो कर रहे हैं, त्याग पत्र की बात आपने क्या मैंने सुना भी, तो आप धर्म में ऐसा क्या खास रखना चाह रहे हैं जो सरकार को मजबूर होना पड़े वापस आपके इस अधिकार को देने के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको कि किसी पेड़ का जब जड़ मजबूत होता है ना तो पूरा पेड़ मजबूत होता है। सबसे निचली स्तर पे पंचायत है, उसके बाद सरकार है। पंचायत के प्रतिनिधि अगर सही रहेंगे कि मांगों को पूरा करके अगर पंचायत को सही बेहतर कर पाएंगे तब सरकार भी बेहतर चलेगी। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो आने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसलिए कि जब हम सरपंच मुखिया प्रतिनिधि लोग ही पंचायत स्तर पर डिस्टर्ब रहेंगे, फिर आगे की प्रतिनिधियों का क्या हाल होगा?
तो ये स्टेप जो आप लोगों का पहला धरना प्रदर्शन तो ये है, ठीक है, चूंकि बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो करेंगे वो आप लोगों को मानना है, चूंकि संघ का मामला है, सब एक दूसरे से जुड़ा है, तो एक डायरेक्ट वे में इस तरह की सोच कि एक बार पहले धरना के बाद डायरेक्ट त्याग पत्र, बीच का कोई रास्ता नहीं। देखिए इसलिए कि जब से सरपंच का चुनाव 2006 से हुआ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे सरपंच साहब हैं, कोई 11 से है, 16 से है, मैं 2006 से हूँ जी। 2006 में जब पहली बार सरपंच का चुनाव हुआ था, तब से सरकार द्वारा जो भी वादा किया गया होगा कल पूरा होगा, कल पूरा होगा। आप ये देख लीजिए 2006 से 2023 आ गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जब 2011 में सरपंचों की एक मीटिंग हुई थी आपको डीएमसीएच के हॉल में, वहां उस समय में नंद किशोर प्रसाद यादव मंत्री थे, एडीजी, डीजी, आईजी, सारे एसपी साहब, सारे प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी थाना के थाना अध्यक्ष मौजूद थे, और उसमें कहा गया था कि ग्राम कचहरी को तब तक मजबूत नहीं हो पाएगा या नहीं जब तक स्थानीय पदाधिकारी का सहयोग ना हो, थाना प्रभारी का सहयोग ना हो, अंचल पदाधिकारी का सहयोग ना हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी का सहयोग ना हो। लेकिन 2011 से 2023 बीतने को जा रहा है, इस चुनाव को भी विगत 2.5 साल 3 साल बीतने को जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ही बताएं, आप भी समाज के एक अंग है, कौन से पदाधिकारी प्रतिनिधि के सहयोग में, कौन से पदाधिकारी? मुझे तो ऐसा लगता है कि थाना में जितना मामला जा रहा है, और हम शनिवार को जाते भी हैं, तो जनता दरबार में भी मैं देखता हूं कि पूरे अधिकार को थाना अध्यक्ष यही के नहीं कहीं भी अपने हाथों में बिल्कुल कैप्चर करके रखना चाहते हैं। देखिए आप नहीं, हर जगह आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ पदाधिकारी अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को थाना तक लाने पर मजबूर कर देते। लेकिन थाना प्रभारी का ये दायित्व होना चाहिए, सीओ साहब का, प्रखंड विकास पदाधिकारी का ये दायित्व होना चाहिए कि लोगों को सही रास्ता दिखाएं कि ये मामला ग्राम कचहरी में हल हो जाएगा। आप थाना पे परेशान ना हो सर, आप थाना पे परेशान ना हो, आप कोर्ट में परेशान ना हो, आप जाइए ग्राम कचहरी में, ये मामला हल हो जाएगा। और अगर ग्राम कचहरी में मामला नहीं हल हो तब मेरे पास आई, हम 90 नहीं कहेंगे, 99% मामला पंचायती राज में घर में सलगता है, बिल्कुल दूर तक इज्जत नहीं जाती है, ये भला या सरकार और थाना पुलिस कोर्ट में जाके जिल्लत भला। महात्मा गांधी बापू का सपना था पंचायती राज कायम हो, पंचायती राज में सुलभ और सस्ता न्याय अगर कहीं मिल सकता है तो वो ग्राम कचहरी के माध्यम से मिल सकता है। सारी जानकारी होती है भाई, पंचायत में जो प्रतिनिधि है उसको सारी बारीकी का पता होता है। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मान के चलिए कि मैं एक केमिस्ट्री ऑनर्स होते हुए भी मैं चाहता तो आज किसी पदाधिकारी के पद पे होता, मैं भी कहीं अच्छा नौकरी कर रहा होता, मैं सब छोड़ के अपने ग्राम पंचायत में सेवा के भावना से मैं 2006 से सरपंच हूँ। लेकिन आप बताइए कि 2500 रुपया के मानदेय में मैं अपने लोगों साथ सामान्य मामला है, कोई मेरे साथ अकेला ये सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा है, यहाँ जिनके साथ भी हो रहा है इसी तरह का मामला हो रहा है, हर पंचायत में यही थाना का अंदर में जाने के बाद कोई एक दूसरे का रिस्पांस नहीं लिया जाता है और विभिन्न तरह के बातों में उलझाने का प्रयास किया जाता है, इस तरह का सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है। तो आप जो इस धरना में शामिल हुए हैं जी सर, तो आपका दूसरा स्टेज डायरेक्ट त्याग पत्र है, देखा जाएगा हमारे अध्यक्ष महोदय का जो विचार होगा उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं इतने हॉट वे में लिए गए कदम से सरकार पे असर पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो आप अपने बारे में विस्तार से बता दीजिए। मैं सिकंदर आजम पकड़ी पंचायत मोहिउद्दीनपुर पकड़ी पंचायत सरपंच प्रतिनिधि। जब मेरे चैनल एडीबी न्यूज 7 ने उन सबों से धरना संबंधित प्रश्न किए कि अगर आपके ये सारे अधिकार वापस नहीं दिए जाते हैं और अफसरशाही कायम रहेगी तो आप त्याग पत्र दे भी देंगे तो सरकार को क्या फर्क पड़ेगा, फिर सरपंच ने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। तो सरपंच साहब आज इस धरना में आए हैं, बहुत परेशान किया जा रहा है आपको अफसरशाही दिखा के, पंचायती राज में आपके अधिकारों को छीन के एक तरह से आपका इंसल्ट हो रहा है, तो आप इस पर सरकार को जवाब देने का जो तरीका अपनाया है, पहले प्रदर्शन और उसके बाद डायरेक्ट त्याग पत्र, बीच का रास्ता भी तो अपना सकते थे। बीच का रास्ता अपना सकते हैं,
जब सुनने वाला गार्जियन तैयार हो तब जी घर का समस्या गार्जियन उलझाते हैं। तो एक देश के अंदर तीन आदमी देश को चलाते हैं जी, डीएम सीएम पीएम। तो डीएम साहब ने स्टेटमेंट निकाल दिया कि आज से ग्राम कचहरी सरपंच वंशावली नहीं बनाएंगे, यह लीगल नहीं है, अनलीगल है। तो मैं डीएम साहब को भी सूचना देना चाहता हूं कि आपने जिस काम के लिए ग्राम कचहरी सरपंच को इंडिकेट किया कि लीगल नहीं अनलीगल है, तो उसको चिट्ठी के माध्यम से हम लोगों को दीजिए। जब तक लेटर नहीं आता है कि आपको इस काम से विमुक्त किया जाता है, तब तक ग्राम कचहरी सरपंच कैसे समझेंगे, एक बात। दूसरी बात है कि हक के लिए सब लोग लड़ते हैं और यह हमारे देश का प्रजातांत्रिक ढांचा है, बिल्कुल। और प्रजातांत्रिक ढांचा में यह जनता को और प्रतिनिधि को हक है कि शांति वातावरण में आप अपने अधिकार को, मांग को रख सकते हैं जी, बिल्कुल। तो जब आपने स्वच्छ ग्राम का निर्माण किया, महात्मा गांधी के बापू के सपनों का सपना साकार किया, पंचायत करवाए, पंचायत करवाने के बाद प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व दिया जी, तो आप उसका हनन क्यों कर रहे हैं, उसका मान सम्मान क्यों मतलब घटा रहे हैं। अच्छा, थाना में आप लोगों को अधिकार कम दिया जाता है, ये तो हमने सुना, इन लोगों ने बताया। सीओ वगैरह किस तरह से आप लोगों को डिस्टर्ब करते हैं? देखिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सिर्फ अधिकार का बात है। अधिकार हमारे अंचलाधिकारी के अधिकार को मान्यता नहीं देते हैं। वही बात हम बताने जा रहे हैं कि जब दीवानी मामला का आपने निष्पादन करने के लिए रजिस्टर दिया है, लॉ दिया है जी। तो प्रसाद गौतम जी से कहना है, जो मेरे पंचायती राज मंत्री हैं, कि मेरे साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए। मुझे भी एमएलसी के इलेक्शन में सभी जनप्रतिनिधि वोट कर, एक सरपंच पंच को हटाकर। आखिर क्यों, जबकि वार्ड मेंबर भी वोट करते हैं, मुखिया जी भी वोट करते हैं, जिला परिषद भी वोट करते हैं और समिति भी वोट करते हैं, और सरपंच और पंच को इसमें से साइड कर दिया जाता है, आखिर क्यों? इसलिए वो भी जनप्रतिनिधि और मैं भी जनप्रतिनिधि, आखिर क्यों मेरे साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? उसके बाद मैं न्यायपीठ हूँ, मैं अदालत चलाता हूँ, और अदालत चलाते हुए दीवानगी मामला, फौजदारी मामला, उसको हम सोल्व करते हैं। जबकि सबसे बड़ा मामला, मुखिया जी एक विकास ग्रुप के लोग हैं और सरपंच महोदय जो है वो न्यायपीठ हैं, न्याय करते हैं, उसके बावजूद उन्हें उनसे उस वोटिंग से वंचित रखा जाता है, आखिर क्यों? इसकी मांग हम लोग, इससे पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ, एमएलसी के इलेक्शन से पहले धरना प्रदर्शन हुआ, इसमें मांग की गई और आज तक इसका हम लोगों का जो मांग है, ग्राम कचहरी को दो, कहीं एक आपको चौकीदार दी गई, जबकि चौकीदार को नियुक्त किया गया लेकिन कभी चौकीदार घूम करके वहां जाता नहीं। यहां ग्राम कचहरी में जाना है, सरपंच साहब से मिलना है, सरपंच साहब से पूछना है, यहां सरपंच साहब हमको भेजा गया है, आपके यहां नियुक्त किया गया है, हमको भी हाजिरी बनाया जाए, मेरा भी हाजिरी बनाने के लिए वो नहीं पहुंचता, तो फिर कैसी नियुक्ति? जब हाजिरी मेरे यहां नहीं बनती है उसकी, तो कैसी नियुक्ति? दूसरा नंबर बात कि ग्राम कचहरी में जो भी आदेश किया जाता है तो दो पार्टी में कोई एक पार्टी ही खुश होते हैं, एक पार्टी तो नाराज होंगे ही, और सेकंड पार्टी को गांव के ही कुछ जयचंदो लोग यहां आकर के थाना दिवस के नाम पर उनको यहां आवेदन दिला दिया जाता है, और थाना दिवस पर यह भी नहीं पूछा जाता है, ना सीओ साहब पूछते हैं, ना थाना प्रभारी पूछते हैं, सरपंच साहब आपने जो ये आदेश किया किस तरह से किया, क्या मामला है, इसकी जानकारी हमको आप अपने रूप से दे दीजिए, और नहीं तो उस दिन आप आकर के इसको आप भी उसमें रहिए और रह करके देखिए कि ये मामला क्या है, इसकी सूचना नहीं, बस यहाँ जो दिल में आता है वो लोग यहाँ करेंगे, इसलिए वर्दी है और यहाँ सीओ साहब हैं, तो जो करेंगे वो बहुत अच्छा। तो ग्राम कचहरी में इस तरह का मामला जो है अब बहुत कम ही आता, जबकि हम लोगों को केवल हर महीने, जबकि थाना दिवस का कोई भी रिपोर्ट मुख्यालय को नहीं जाता है फोटो के सिवा, जबकि ग्राम कचहरी का हर सचिव द्वारा हर महीने रिपोर्ट भेजी जाती है कि आप में के यहाँ से दीवानगी मामला का कितना फैसला हुआ,
फौजदारी मामला का कितना फैसला हुआ इसका रिपोर्ट दिया जाए और हम लोग देते भी हैं और सचिव जी लेकर के न्याय मित्र लेकर के पहुंचाते भी। आखिर क्यों इस तरह का सौतेला व्यवहार किया जाता है? पंचों को 500 रुपया और महीना में 4 से 5 मीटिंग भी होती है। उन लोगों की जब जरूरत होती है, जब पंचायत होते हैं तो हम लोग बुलाते भी हैं। अब सोचिए 500 रुपया में वो कई बार कचहरी आते हैं जाते हैं अपना काम धंधा छोड़ करके, जबकि वो जनप्रतिनिधि है, उनको कौन सा सुविधा दी जाती है? न मेडिकल का सुविधा है, न उनके सुरक्षा का कोई सुविधा है। तो 11 सूत्री मांग में से कोई एक भी मांग अब तक पूरा हुआ है कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता है कोई भी मांग 16 से लगभग आप लोग इस नहीं मांग अभी तक कोई भी मांग नहीं पूरी हुई है। सरपंच साहब को वही 2500 रुपया जो कल मिल रहा था वही आज भी मिल रहा है। सरकार तब से आज तक कान पर जू नहीं रहेगा तो आज उम्मीद कैसे रखते है? इसलिए कि अगर इस बार सरकार मांग पूरी नहीं करती है, इससे पहले भी अशोक क्या नाम था अशोक अच्छा सम्राट चौधरी जी थे उन समय से भी हम लोग मांग करते हुए चले आ रहे हैं और अभी मुरारी प्रसाद गौतम हैं उनसे भी अगर नहीं करते हैं तो 2 तारीख इसके अगले महीना 2 तारीख अक्टूबर को हम लोग इस पर व्यापी आंदोलन करने के बाद अपना इस्तीफा सौंपेंगे। चलिए धन्यवाद। आप अपने बारे में बताइए पहले फिर से एक बार। मैं शाहिद हाशमी धमसान धवारा सरपंच प्रतिनिधि। अभी धरना में क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं सरकार मेरे 500 रुपया देता है उसमें 16 रुपए रोज हुआ उसमें क्या होगा? हम लोग मीटिंग में आते हैं बुलाते हैं जब सरपंच आते हैं। जोर से बोलिए। जब सरपंच बुलाते हैं तो आते हैं मीटिंग में। हम लोग तो जो काम होता है सो करते हैं लेकिन उसके बाद 500 रुपया एक दिन का मजदूर नहीं हुआ। मजदूरों जो आता है तो वो 600-700 लेता है तो एक दिन का तो 16 रुपए न हुआ। हाँ, इस 16 रुपया में मजदूर जो एक मीटिंग में यहाँ से हम बोलो मैदान भी मीटिंग में गए थे इस अगला पंचवर्षीय में उसमें यहाँ आए तो 20-40 रुपया भाड़ा लग गया। कहाँ से देंगे? गरीब आदमी बुढ़ी है कोई देने वाला है नहीं। एक लड़का है वो भी नहीं कमाता है उसको भी कोई माथा को दिक्कत है तो कौन देगा? मेरा पति नहीं है हमको देने वाला कौन है? इसीलिए सरकार जो काम है करते हैं सरकार को 500 रुपया देता है। 500 रुपया विशेष मांग क्या कीजिएगा सरकार से? कुछ बढ़ाए 500 रुपया देता है कम से कम 1000 रुपया देना चाहिए सरकार कि इससे क्या होगा? 16-32 बार जो भी नहीं होता होना चाहिए। सरकार जो बढ़ाएंगे और नहीं बढ़ाएंगे उसको मर्जी है। मैं लोग मेरे से जो काम है सो करते हैं गरीब आदमी क्या करे। ठीक है धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री से पूछना चाहता हूँ। इलेक्शन के समय जो उन्होंने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जो घोषणाएं की थी कि सरपंच को सिस्टम वित्त आयोग दिया जाएगा, सरपंच को रोड सड़क का रख रखाव दिया माने विभाग दिया जाएगा, विकास का, किसान का, मवेशी का सेट वगैरह वगैरह, कब्रिस्तान शमशान की जिम्मेदारी सरपंच और पंच को दिया जाएगा, क्या एक भी उन्होंने अपनी घोषणा को कबूल माने आज तक वो लागू किए? बिहार सरकार एक भी घोषणा को उन्होंने लागू किए? ये उनके मैनिफेस्टो में शामिल था जी, पंचायती राज मंत्री के मैनिफेस्टो में ये घोषणा था उनका, लेकिन एक भी घोषणा उन्होंने लागू नहीं किए जी। आज बिहार प्रदेश सरपंच संघ अध्यक्ष के आदेशानुसार सभी प्रखंडों में अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच और पंचों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया और मीडिया के माध्यम से बताया कि उनकी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन वह सभी प्रदर्शनकारी त्याग पत्र दे देंगे। मौके पर अलीनगर प्रखंड स्तरीय सरपंच संघ के अध्यक्ष लाल मोहम्मद, पकड़ी सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद आजम बाबा, रुपसपुर सरपंच प्रतिनिधि शाहिद हाशमी, हरियत सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद कमरुद्दीन आदम, मोतीपुर सरपंच रामनाथ सहनी, ग्राम कचहरी
सचिव संघ के अध्यक्ष बैद्यनाथ यादव और सभी पंच उपस्थित थे। दरभंगा अली नगर से जफर साजिद की ये रिपोर्ट। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और अपने कीमती और अच्छे सुझाव और कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि आपको सबसे पहले हमारी खबर और नोटिफिकेशन पहुंचे।